हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है समर स्पेशल ग्लोई नो मेकअप मेकअप लुक। सो आज सारे जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ उन सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके की और मेकअप लुक देखना है। तो मैं ये कंसीलर कम फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ जो कि है कलरसेंस ब्रांड का और ये है SPF 15 एंड ऑयल फ्री ऑल्सो। सो ये एक काफ़ी अच्छा कंसीलर एंड फाउंडेशन स्टिक है। सो इसको अप्लाई करने के बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको मैं अपने आईज के नीचे के एरिए में लाइक दैट फोरहेड पे, नोज पे और जो भी एरिए मेरे थोड़े अफेक्टेड है उन पे अप्लाई कर लूंगी, नोज के साइड में। दैट्स इट। सो मैं बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि एक बहुत ही बेसिक मेकअप है जो कि मैं क्रिएट कर रही हूँ। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरीके से इसे स्प्रेड कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। तो ये बहुत ही बेसिक मेकअप है जो कि समर के लिए स्पेशली, और ये ऑयल फ्री है तो आपका फेस गर्मियों में ऑयली भी नहीं लगेगा। सो इसका जो शेड है वो बीज है, यू कैन सी, एंड इसे मैंने अपने स्किन पे पूरी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। नाउ यू कैन सी कि अभी स्किन कितना इवन लग रही है। सो इसके बाद मैं अब कॉम्पैक्ट यूज करूंगी क्योंकि मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करूंगी। मेबलिन का कॉम्पैक्ट मैं यूज करने वाली हूँ। सो इसे मैं अपने आईज पे और अंडर आईज पे और फोरहेड पे थोड़ा, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी पसीना ज्यादा आता है, स्वेट ज्यादा होती है आपको, वहां पे आप इसको हल्का हल्का अप्लाई कर लीजिएगा। तो हमने फेस पे इसे इवनली अप्लाई कर लिया है। सो अभी मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी सो दैट फेस के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। सो गर्मियों में क्या होता है कि स्किन में पैचेस आ जाते हैं। सो अगर आपके अच्छे से ब्लेंड नहीं किया हुआ है मेकअप को तो कहीं पे आपको स्किन ऐसे लगेगा कि मेकअप है, कहीं पे ऐसा लगेगा कि नहीं है। तो इसीलिए आपको अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करना होता है, अच्छे से स्प्रेड करना होता है मेकअप को सो दैट ये थोड़ा सेट हो जाए। नाउ आई विल यूज मेकअप रिवॉल्यूशन का आई शेडो जो कि मैं इसका मैं डार्क ब्राउन कलर यूज करने वाली हूँ। सो आई विल अप्लाई ऑन माय आईलेट और मैं बहुत ही बेसिक स्मॉल अमाउंट में इसे यूज करूंगी क्योंकि हमारा जो मेकअप है बहुत ही सिंपल होने वाला है तो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। एंड इसके बाद मैं एक और डार्क शेड लूंगी जो कि है डार्क पर्पल ये वाला, और इसे मैं अपने आईज के हाफ पोर्शन में अप्लाई करूंगी। सो दैट ये थोड़ा सा हाईलाइट हो। सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो आई शेडो जब भी आप यूज करते हैं सो मेक श्योर कि आप उसे ब्लेंड अच्छे से करें तभी उसका जो कलर है ना वो एक अच्छे से उभर के आता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है एंड आईज। सो नाउ अभी आईब्रो सेट करने के लिए मैं इसी आई पैलेट से एक डार्क शेड लूंगी और मैं अभी अपनी आईब्रो को इसी के थ्रू फिल करूंगी।
सो हल्का हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक हल्के वे में मैं इसे अपनी आईब्रो पे अप्लाई कर लूँगी, सो दैट मेरा जो गैप है ना आईब्रो में वो फिल हो जाए। सो इसका जो एक्सेस पार्ट है वो मैं ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दूंगी सो दैट ये नेचुरल दिखे। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंट बिफोर फिलिंग द आईब्रोज एंड नाउ, सो इट लुक्स लाइक कंप्लीट। अभी मेरा फेवरेट ब्लश, सो ब्रश के लिए मैं इसी आई पैलेट से एक पीच शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। Now I will apply the highlighter and I am taking this shade and इसको मैं सबसे पहले अपने आईब्रो के नीचे अप्लाई करूँगी, ये अपर पार्ट में जो है उसको फिल करने के लिए मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ और इसी शेड को मैं अपने आईज़ के ये साइड वाले पोर्शन में अप्लाई करूँगी, सो ये पोर्शन थोड़ा हाईलाइटेड अच्छा लगता है। इसे मैं अपनी थोड़ी नोज पे भी अप्लाई कर लूंगी, सो अपने टी पोर्शन में अप्लाई करूंगी इसे। एंड इट विल बी हियर, सो अभी मैं अच्छे से इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। एंड नाउ यू कैन सी द फेस एंड यू कैन सी द हाइलाइट्स एज वेल। सो अभी मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ ये कलर बार का आईलाइनर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है क्योंकि ये वेट प्रूफ है एंड ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है क्योंकि इसका जो ये ब्रश है ना इसकी हेल्प से ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। सो मैं अपनी आईज में दोनों आईज में इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड यू कैन सी ये दोनों आईज में अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड आई थिंक आप देख सकते हैं एंड इट इज लुकिंग प्रिटी। नाउ आई एम यूजिंग दिस कलर बार लिपस्टिक एंड विच इज इन रेड कलर एंड ये एक हॉट रेड कलर है जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। लैक्मे का आइकॉनिक काजल, सो मेकअप का जो लुक है वो कंप्लीट हो जाए। इन माय बोथ द आईज आई विल अप्लाई एंड यू कैन सी काजल अभी अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड अभी आईज जो है थोड़ी स्मोकी भी लग रही हैं एंड इट इज लुकिंग प्रिटी। एंड टू कम्प्लीट दिस लुक आई एम वेयरिंग दिस इयररिंग सो दैट मेकअप विल लुक एंड आई विल अप्लाई दिस बिंदी एज वेल। तो अभी मैं अपना दुपट्टा कैरी करती हूँ कंप्लीट करने के लिए लुक को।
सो नाउ वी आर रेडी टू अटेंड एनी काइंड ऑफ फंक्शन एनी हाउस पार्टी एंड सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड दिस लुक ऑल्सो. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है. सो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को.